लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर फैसला लेना था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट करने का तो वो तो एलजी सरकार को लेना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए था। जेएमसी का दायरा तो काफी सीमित है जम्मू म्यूनसिपैलिटी तक ही, तो जम्मू म्यूनसिपैलिटी के अंदर अंदर लाउडस्पीकर अगर उतारे जाएंगे, बाकी म्यूनसिपल एरियाज में नहीं उतारे जाएंगे, पंचायत में नहीं उतारे जाएंगे, तो उससे भी ये कहा जा रहा है कि समुदायों के बीच में खींचतान बढ़ सकती है। जहाँ एक तरफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जब लाउडस्पीकर को लेकर रेजोल्यूशन आया तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर्स का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो आ चुकी है, उसको लेकर एक रेजोल्यूशन अगर पास होता भी है तो उसमें दिक्कत क्या है। वहीं पर ऑपोजिशन ये सवाल खड़ा कर रही है कि ये जानबूझकर जम्मू में माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और मंदिरों के शहर में जहाँ वाइन शॉप्स बैन होनी चाहिए वहाँ पर लाउडस्पीकर्स बैन करने की बात की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा। तो पूर्णिमा जी, आपसे यही जानना चाहूंगी, ऑपोजिशन तो कह रही है आपने बहस भी नहीं की जनरल हाउस में, केवल रेजोल्यूशन आया बिना डिस्कशन के पास हो गया, ये कोई तथ्य नहीं है। सबको पता था रेजोल्यूशन दो दिन पहले मूव हुए थे, सबकी नॉलेज में था, अगर हाउस में अगर पास हुआ तो सबकी प्रेजेंस में पास हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिए थे, हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर ने सिर्फ उन जो आदेश जारी हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन लाया था। डेमोक्रेटिक इंडिया है, सबको अपने धर्म की प्रीच करने का, सबको अपने अपनी पूरी इंडिपेंडेंस है। हेल्थ हैजर्ड्स को लेते हुए, नॉइस पोल्यूशन को देखते हुए अगर इसमें कुछ लिमिटेशन बंदी हैं तो जो उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हमें आए हैं अगर हम उनको भी नहीं मानते हैं तो डेमोक्रेसी कहाँ है। इसको लेकर यही कहा जा रहा है कि अगर फैसला लेना था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इंप्लीमेंट करने का तो वो तो एलजी सरकार को लेना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेना चाहिए था। जेएमसी का दायरा तो काफी सीमित है जम्मू म्यूनसिपैलिटी तक ही, तो जम्मू म्यूनसिपैलिटी के अंदर अंदर लाउडस्पीकर अगर उतारे जाएंगे, बाकी म्यूनसिपल एरियाज में नहीं उतारे जाएंगे, पंचायत में नहीं उतारे जाएंगे, तो उससे भी ये कहा जा रहा है कि समुदायों के बीच में खींचतान बढ़ सकती है, लड़ाई होने के चांसेस, दंगा फसाद होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर हमेशा एक गुलदस्ते की तरह महका है, हमारे सब धर्मों के बीच में भाईचारा है। आपने देखा होगा कि जब एक जन पे बनाती है तो दूसरा जन उसका हाथ पकड़ के कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ सक्षम खड़ा हो जाता है। आई डोंट फील कि आपकी ये अपेक्षाएं हैं कि यहाँ पे कोई दंगे फसाद के लिए इस रेजोल्यूशन का लाया गया, मात्र जो उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के एक रिक्वेस्ट करी गई, एक रेजोल्यूशन लाया गया है। डोमेन किसी की भी हो लेकिन वॉइस ऑफ द पीपल, हम अपने जो हाउस है वो सर्वोच्च है, अगर उसमें भी हम लोगों की आवाज़ नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि इनका ये कहना है कि जब उच्चतम न्यायालय ने कह दिया है, कुछ डायरेक्शंस दे दी हैं लाउडस्पीकर्स को लेकर, तो ज़रूरी है कि उन सभी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसमें अगर एक इनिशिएटिव जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लिया है तो उसमें दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और यही इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, ऐसे में कहीं कम्युनल टेंशन इस फैसले से नहीं होंगी।